गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो ईडीएम स्टार्ट कर रहे हैं आज पार्ट 13। फर्स्ट ईडीएम है स्टॉर्म्ड आउट। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। तो स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, और अगर स्टॉर्म वर्ब हो तो इसका मतलब तूफान मचा देना। तो स्टोरी क्या है? स्टॉर्म आउट, आउट यानी बाहर, तो यानी तूफान मचाते हुए बाहर, या बहुत गुस्सा दिखाते हुए क्या निकल जाए इंसान बाहर। तो इमेजिन करो आपको ऐसा कोई वरदान है कि जब आपको गुस्सा होता तो अपने आप तूफान आने लग जाता है, बहुत तेज हवाएं चलती है, पता लग जाता है तूफान गुस्सा इसको आ गया। तो और अगर आप एक दिन आप उसी गुस्से में क्यों निकल गए बाहर, तो गुस्से से बाहर निकल गए, तो स्टॉर्म आउट, ठीक है, तूफान जैसा गुस्सा दिखाते हुए क्या निकल गए बाहर। रॉब कोई इंसान है, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस एंड स्लैम्ड द डोर। बहुत बार ऐसा होता है ना, इंसान जाता है और जाते टाइम दरवाजा ऐसे पटक के बंद कर, अटका गए, चाहे टूट ही जाए वो, तो उसको कहते हैं स्लैम करना डोर को। और स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस यानी बहुत गुस्से में निकल जाना, क्लियर है, गुस्से में निकल जाना। नेक्स्ट देखिए, मान लो मैंने कोई चीज लिख दी तो मैं भूल गया। मान लो मैंने लिखा कॉम्पिटिशन, हम क्या आदत ऐसी होगी ना चाहते भी लगी गया। लो जी, अब मैंने ये कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग लिखी है। अब मैंने आपको कहा यार एक्चुअली क्या है, मैंने ना सारा मैटर लिख दिया लेकिन मैंने टी के ऊपर डंडा लगाना भूल गया और आई के ऊपर मैं बिंदी लगाना भूल गया। तो तुम्हें ना ये काम करना है बस। अब ये काम आसान है, मुश्किल है? बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो चीज मेरी ये है, हो सकता है ये एल भी हो किसी जगह पे, तो देखना पड़ेगा ना ये एल है या ये सच में इसको टी बनाना है। इसका मतलब बहुत ध्यान से कोई काम करना। तो डॉट लगाना किसके ऊपर? आई पे, और क्रॉस लगाना किसके ऊपर? टी पे। इसका मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज को चेक करना। द नेगोशिएशंस आर नियरली फिनिश्ड। नेगोशिएशंस क्या होती हैं? जब आप किसी चीज को खत्म करने के लिए बात करते हो ना, भी चलो मुकाओ यार बताओ, हाँ ठीक है ना, बट वी स्टिल हैव टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। हालांकि हम जो है मतलब काफी नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसपे क्या देना है, ध्यान देना है। क्लियर है, बात समझ आ गई? यानी हर पार्ट पे बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब होता है हेरा फेरी करना। एग्जाम्पल देख लो, द अकाउंटेंट ऑफ डॉक्टर बेदी हैज बीन अरेस्टेड बिकॉज ही डॉक्टर्ड। अब कमाल देख लो, डॉक्टर वर्ब भी हो सकती है। डॉक्टर आज तक क्या था? नाउन। इसका मतलब डॉक्टर क्या हो सकती है? वर्ब भी हो सकती है। तो डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ डॉक्टर बेदी, उस डॉक्टर के अकाउंट को डॉक्टर कर दिया, तो डॉक्टर का मतलब हेरा फेरी। तो आप कह सकते हो कि ज्यादा मत करना, तो मैं डॉक्टर कर दूंगा, तो इसका मतलब हेरा फेरी कर दूंगा। तो डॉक्टर के अकाउंट को ही क्या कर दिया? डॉक्टर कर दिया। तो डॉक्टर के एक मतलब, इसका मतलब क्या है वर्ब के रूप में? हेरा फेरी करना, ठीक है। तो डॉक्टर जब भी आपको पैसे देता था ये ले जमा करा दे, तो वो जमा आप अपने खाते में करा लेते, ठीक है।
और घर से ही मैसेज बना के डॉक्टर को भेज देते थे, ले योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इतना कौन पढ़ता आगे? स्टोल द शो, स्टोल द शो का मतलब होता है पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। शो में बहुत सारी चीजें लगी हुई थी लेकिन सब लोग किसकी तरफ आ रहे थे बार बार। तो स्टोल का एक मतलब, ये स्टील की सेकंड फॉर्म है यानी चुराना, तो पूरा शो आपने ही चुरा लिया। बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्टाल लगा के बैठे हैं और एक आप भी स्टाल लगा के बैठे हो, तो बाकी दवेले ही खड़े हैं फिर, क्योंकि सब लोग इधर हैं आपके ही स्टॉल पे आ गए हैं। तो मान लो आपने कोई मेला लगा था जहां पे आपने किसकी स्टॉल लगाई थी, स्टॉल की, जो लड़कियां मेहंदी है ना स्टॉल, तो बाकी बाकी स्टॉल पे कोई जा गया ही नहीं, सब लोग इधर खड़े हैं, तो बाकी लोग कह रहे फिर चले हम, तो फिर क्या फायदा। तो आपने ही चुरा लिया सारा आकर्षण। ओके, द चाइल्ड विद द डॉग स्टोल द शो। मान लो कोई अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी थी लेकिन पूरा सबसे ज्यादा आकर्षण किसको मिला, वो बच्चा जिसके पास क्या था, द चाइल्ड विद द डॉग स्टोल द शो। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग जैसे कहते हो माय गॉड यू स्टोल द शो, आपको बोलते हैं लोग, तो दिक्कत ये भी अपने आप को बोलते ही नहीं। कोल्ड कंफर्ट, किसी मुसीबत में बस ठीक है ना के बराबर, आपको बहुत प्यास लगी हो, बहुत पूरा ठंडा पानी चाहिए हो, इतने में कोई कहीं भी घड़े का है, चलो मतलब सोचते चलो कुछ तो है, और उस घड़े में भी बंदा सोचता ठंडा पानी होगा, वो घड़ा भी पुराना था, कोई 3 4 साल पुराना, बस वो गर्म नहीं था, चलो के शुक्र गर्म नहीं है। तो वो क्या मिला आपको, कोल्ड कंफर्ट। यानी तो ऐसा ही हुआ, मान लो आप कहीं घूमने गए थे छुट्टियों में और कमरा नहीं मिला और गर्मी है दुनिया जान की, तो मर रहे हो आप, तो एक होटल वाले ने कहा भी कमरा तो नहीं है, थोड़ी देर बैठना है तो बैठ जाओ, तो इनको पानी वानी पिला दो यार थोड़ा बस। तो क्या मिला, उसने थोड़ा सा कोल्ड चीज दे के, कुछ ठंडा पानी दे के आपको थोड़ी बहुत तो राहत दे ही थी, पर राहत वो कैसी थी, ना के बराबर। तो कोल्ड कंफर्ट, समथिंग दैट इज पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, कुछ तो पॉजिटिव है, सारी नहीं है। तो द ड्रॉप इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फिगर्स, यहां पे ड्रॉप क्या है, वर्ब के नाउन, यहां पे नाउन है, और इस ड्रॉप का मतलब क्या है, गिरावट। ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, और ड्रॉप का मतलब बूंद गिराना भी होता है, या किसी को घर छोड़ना भी होता है, कितने मतलब है ड्रॉप के। यहां ड्रॉप क्या है, गिरावट। जो गिरावट है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स में, आंकड़ों में, इज कोल्ड कंफर्ट टू दो स्टिल लुकिंग फॉर वर्क। उनके लिए बस थोड़ी सी राहत की खबर है, जो लोग अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, अपनी बात साबित ना कर पाना, यानी आपके पास कोई कोई ऐसे क्लू नहीं, कोई ऐसा हिंट नहीं, कोई ऐसी एविडेंस नहीं जिससे आप अपनी बात को क्या कर सको, साबित। तो सिचुएशन क्या है, एक लंगड़े आदमी ने आपका पंखा चुरा लिया। अब आप जज को कह रहे हो कि जज साहब ये लंगड़े लुंगड़े पे ना जाओ आप, इसने पंखा चुराया मेरा, तो ये लग छोटा सा रहा है, लग लंगड़ा सा रहा है, ये बड़ी चालू चीज। तो जज कहता चल एक काम कर, अभी देख लेते हैं, तू ला एक टेबल ला, पीछे टेबल पे चढ़ के ना सर चुराया है, कह चल अभी देख लेते हैं ये टेबल पे चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता। तो अब जज ने कहा जल्दी कर, मेरे पास है 2 मिनट ही अब। तो अब देखा आपने भी टेबल देखा, तो टेबल ही नहीं कोई मिला, और जो टेबल मिला उसकी खुद की लात टूटी हुई है, जितने भी टेबल 2 4 वहां पड़े थे उनकी भी एक एक लात है नहीं। तो पहले तो लंगड़े की उसकी लात नहीं थी, अब जो टेबल मिला टेबल की लात नहीं, तो मतलब आपको क्या नहीं मिला, कोई एविडेंस देने का सिस्टम ही नहीं बना कोई। इफ यू हैव नो विटनेस, अगर तुम्हारे पास क्या है, कोई विटनेस ही नहीं है, यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, यानी आपके पास अपनी बात प्रूव करने की कोई एविडेंस नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं आपके पास। पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, यानी
आप ये कह सकते हो कि सही अपराधी को पहचान लेना, यानी जो रियल में अपराधी है उसको। तो इसकी स्टोरी क्या है, एक बार एक जंगल में एक बकरी के पीछे क्या पड़ गया घोड़ा, वो अपनी जान बचाते हुए कैसे भी भागी। तो तेज भागने के लिए चप्पल उतारनी पड़ती है, तो सैंडल उसने पहन रखे थे, तो सैंडल उतारे और भागी। तो जो घोड़ा था उसने सोचा चलो कुछ और नहीं तो सैंडल ले गया अगला। तो बाद में पुलिस ने कहा भी एक सैंडल गिर गया था, एक सैंडल तो उसके हाथ से छूट गया बकरी के, तो वो उसने उठा लिया था, एक सैंडल तो वो ले ही गई थी। तो जब बाद में पुलिस ने पूछा बताओ इन घोड़ों में से कौन सा था जो उसे तुम्हारे पीछे पड़ा था, तो बकरी ने जो एक सैंडल उसके पास था ना वो उस घोड़े पे रख दिया गया, ये रहा। तो सैडल को क्या बना लिया, सैंडल, पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। एग्जाम्पल देख लो, इन द कोर्ट व्हेन आई वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, जब मुझसे पूछा गया आई पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, सही अपराधी को पहचानना। हाई हॉर्स और राइड द हाई हॉर्स, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा क्या समझना, लोगों से इंपॉर्टेंट, सुपीरियर, घमंड आ जाना। जब तो आपके पिताजी ने आपको दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा लेके दिया है, तो जब आप उस पर बैठते हो तो वैसे ही सारे क्या लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, तो आपको क्या आ जाता है, घमंड आ गया है। शी इज राइडिंग द हाई हॉर्स बिकॉज ऑफ हर फादर्स रिसेंट सक्सेस इन द, मतलब उसको बड़ा घमंड आ गया है क्योंकि वो उसके पिता को बहुत ज्यादा क्या कोई कामयाबी मिल गई है। एक अलग अगला एग्जाम्पल का, सेली गॉट टायर्ड ऑफ पीटर्स स्नोबरी एंड फाइनली टोल्ड हिम टू गेट ऑफ इज हाई हॉर्स, मतलब पहचान वो जो है ना अब थक गई है, परेशान हो गई उसकी, वो जो स्नोबरी का मतलब होता है जो उसकी आदतें हैं या वो जो हरकतें कर रहा है घमंड वाली, तो उसने कह दिया भाई तू तो घोड़े से उतर जा, सीधी सी बात है, तो घोड़े से उतर जाएगा मतलब अपने नीचे आ जा। तो टू गेट ऑफ इज हाई हॉर्स, देखो देख उल्टी, ये देखो ये ऐसे भी आ रही है, इडियम क्या है, हाई हॉर्स या राइड द हाई हॉर्स, लेकिन अब वो कह रही उतर जा घोड़े से, तो उतर जा घोड़े से का मतलब यहां पे क्या है, घमंड वाले घोड़े से क्या है, नीचे उतर जा। यानी सिर्फ हाई हॉर्स दिखे तो उसका मतलब भी क्या हो सकता है, घमंड। क्लियर है ना। ऑन द वेन, इसका मतलब होता है धीरे धीरे क्या होना, कमजोर होना, और चाहे इंपॉर्टेंस में चाहे किसी चीज का इंटेंसिटी में, बस धीरे धीरे क्या होना, कोई चीज का कमजोर होना। तो एक वैन है उसको आज तक जिसने चलाया वो बंदा धीरे धीरे कमजोर हो गया, और बाद में तो मान लो आपका एक दोस्त है उसने भी उस वैन को चलाना शुरू कर दिया, अब वो कमजोर तो होना शुरू हो ही गया है, तो आपने उसको मना कर दिया देख भाई पहले भी 2-3 बीत गए तू देख ले, पर वो नहीं माना और उस वैन में, तो आपने कहा था भैया जो भी इस वैन पे चढ़ा है उसका काम तो हुआ ही है। कॉलोनियलिज्म बिगेन टू वेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके बाद वो चीज धीरे धीरे क्या हो गई, यानी जो ग्रुपिज्म था देश इकट्ठे हो गए दूसरों पे लड़ते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, खत्म हो गया। ब्लेज अ ट्रेल यानी अगुवाई करना, लीड करना, रास्ता दिखाना, ठीक है, कहते हैं ना भी आपने एक नया रास्ता दिया है अब इस पे चलेंगे लोग, तो इसका काम यही है, टू फाइंड अ न्यू पाथ और मेथड। तो ब्लेज का मतलब वैसे आग की लपटे होती हैं, जो आग की लपट होती है, लपटे होती हैं, उनको ब्लेज कहते हैं, ब्लेज। और ब्लेजर का मतलब कोट पहनते हैं अपने। तो इसकी स्टोरी क्या है कि एक बार जंगल में आप फंस गए, आपका गाइड भी परेशान हो गया, रास्ता मिल नहीं रहा बाहर जाने का, आग लग गई है जंगल में और गाइड को ही नहीं समझ आ रहा अब किधर से निकलना है। तो इतने में एक बंदर दिखाई दिया, ऐसा बंदर जो अलग टाइप का था, उसने ब्लेजर पहना हुआ है, तो बंदर ने ब्लेजर पहना हुआ और उसकी पूंछ में से लाइटें निकल रही है या आग निकल रही है, तो डेफिनेटली कोई जबरदस्त कोई दिव्य बंदर ही होएगा। तो उस बंदर ने फिर आपको रास्ता दिखाया, उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ बस। तो कैसा कि किस कैसे बंदर ने रास्ता दिखाया, जिसकी खुद की पूंछ में से क्या निकल रही थी, आग की लपटें।
और ब्लेजर पहना हुआ था, तो उसने आपको, और ट्रेल का मतलब क्या बनाया अपन ने, टेल, उसकी टेल में से क्या निकल रही थी, लपटे, और ब्लेजर उसने पहन रखा था, तो ऐसे बंदर ने आपको क्या दिखाया, रास्ता। हिज रिसर्च, उसकी जो रिसर्च है ना, ब्लेज्ड अ ट्रेल, उसने रास्ता खोल दिया फॉर न्यू काइंड्स ऑफ जीन थेरेपी। अगर बंदूक की गोली को हाथ में लेकर किसी को कितनी भी जोर से मारा जाए तो वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को पिस्टल में डाल के किसी को मारा जाए तो वो उसी वक्त मर जाएगा। इसका मतलब जब तक कोई काम सही तरीके से नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। यानी अगर इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर इंग्लिश रुकावट बन रही है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे। सो गाइस, अगर आप इंग्लिश को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और मजा आ जाए, तो इसके लिए आपको मेरी ऐप वोकैब इंग्लिश गुरु पर जाकर तपस्या कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स को मैंने माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक से डिजाइन किया है ताकि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के भी बिल्कुल जीरो लेवल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक के वीडियोस को मैंने फ्री कर दिया है, जो आपको डेमो वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे, और आप इन्हें जरूर देखिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। टू होल्ड समथिंग इन लीश, कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में रखना, टू होल्ड समथिंग इन लीश। वैसे तो लीश का मतलब लगाम होता है, तो वैसे भी अगर आप किसी चीज को लगाम लगा के रखो तो आपने उसको क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया, तो इसको आप वैसे ही याद रख सकते हो। स्टोरी जो है वो मैंने यही बनाई है कि आप अपने घर वालों की बात नहीं मानते और रोज चार पांच दोस्तों के साथ रात को निकल जाते हो, इंजॉय करते हो, तो आपके चार पांच दोस्तों ने फिर प्लान बनाया आपको रोज आपकी सवारा गर्दी से रोकने के लिए, वो लाश बन के लेट गए सड़क पे। तो अब घर तो जाना ही है बंदे ने, तो वो लाशों के ऊपर से वो जो दोस्त था आपका, वो जैसे निकलने का एक लाश ने पकड़ लिया, तो कहा तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, छोड़ूंगा तब, अगर वादा करेगा भी अब अपनी मम्मी पापा के क्या रहेगा, कंट्रोल में। तो उसने उसको होल्ड यानी पकड़ लिया था ना, तो छोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, टू होल्ड समथिंग यानी इन लीश। व्हेन ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद हिज फादर डिसरिस्पेक्टफुली, हिज फादर सेड होल्ड योर टंग इन लीश, होल्ड योर टंग इन, सिर्फ होल्ड योर टंग भी कह सकते हैं हम, जबान पे लगाम दो, जबान पे रोको तो होल्ड योर टंग, और होल्ड योर टंग इन लीश। ठीक है, एक और था ना, होल्ड योर हॉर्स, याद है, टेम्पर वाला था। टू टेक फ्रेंच लीव, बिना बताए छुट्टी पे जाना, इसको फ्रेंच लीव कहते हैं। ठीक है, बिना बताए, तो आप बिना बताए कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, छुट्टी की एप्लीकेशन तक नहीं दी। आई थिंक आई माइट टेक फ्रेंच लीव दिस आफ्टरनून एंड गो टू द सिनेमा, मुझे लग रहा है कि आज शाम मुझे फ्रेंच लीव लेनी पड़ेगी, यानी बिना बताए छुट्टी। अ स्मॉल फ्राई, आम इंसान, बिल्कुल, एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस हैव ओनली कॉट द स्मॉल फ्राई, पुलिस ने सिर्फ किसको पकड़ा है, एक साधारण इंसान को पकड़ा है। द लीडर ऑफ द गैंग इज स्टिल फ्री, जो लीडर है वो तो अभी भी क्या है, फ्री है। दीज लोकल कंपनीज आर ओनली स्मॉल फ्राई कंपेयर टू द ह्यूज मल्टी नेशनल्स, ये जो आम छोटी मोटी कंपनी है तो क्या है, स्मॉल फ्राई। तो इसको याद करने के लिए क्या है कि आप एक छोटे से मॉल के अंदर एक छोटे से रेस्टोरेंट में सिर्फ क्या फ्राई करते हो, दाल, तो स्मॉल फ्राई का क्या बन गया, दाल फ्राई। तो मान लो कि रिश्ता लेके आए और आपको, मैं बहुत बड़े मॉल में बहुत बड़े रेस्टोरेंट में दाल फ्राई करता हूँ, तो ले देंगे तो आप दाल फ्राई करते हो, तो क्या हुए, ठीक है ना। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे
मशहूर होना, धीरे धीरे पॉपुलर होना, धीरे धीरे उसकी जो पकड़ है वो और तगड़ी होते जाना। तो गेन ग्राउंड, तो ग्राउंड का मतलब आधार, सुना है क्या वैसे कि किस ग्राउंड पर आपने अरेस्ट किया है? तो ग्राउंड का मतलब आधार भी होता है। तो इमेजिन करो एक बार एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, जिसके अंदर वेट गेन करना है आपको, उसी दिन सामान रखा हुआ है खाने पीने का, जो मर्जी खाओ, पर आपको वेट क्या है, जो शाम तक सबसे ज्यादा वेट गेन कर लेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो मान लो शुरू में दोपहर तक जरूरी था, कट ऑफ क्या थी, 2 किलो की, कि 2 किलो वजन तो दोपहर तक क्लियर करना ही था, तो किसी ने 4 बढ़ाया, किसी ने 3 बढ़ाया, पर आपने कितना बढ़ाया, चलो कट ऑफ तो क्लियर होगी एक बार, तो दोपहर तक तो आप पीछे थे वैसे तो, लेकिन धीरे 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 शाम तक आते आते आप सबसे ज्यादा वजन आपने बढ़ा लिया और आप सबसे आगे निकल गए। ठीक है, तो आपने धीरे 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 क्या पॉपुलैरिटी या सक्सेस या तरक्की हासिल कर ली। अब इसका उल्टा क्या है, देखो पहले एग्जाम्पल देखो इसका, आर न्यू प्रोडक्ट इज गेनिंग ग्राउंड, यानी हमारा न्यू प्रोडक्ट जो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशहूर हो रहा है, या धीरे धीरे उसको भी जगह मिल रही है अगेंस्ट दैट ऑफ आर कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर के खिलाफ। अब हमारा प्रोडक्ट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा चल रहा है, उसका भी कोई पकड़ बन रही है उसकी। लूज ग्राउंड यानी बिल्कुल उल्टा, यानी इसका मतलब जिस चीज का पहले तो अच्छा खासा वजूद था, पर अब क्या हो गई, ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो पहले तो बड़ा चलता था, अब धीरे धीरे लोग उसको क्या करने लगे, अब वो बात नहीं रही। इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, लूजिंग ग्राउंड, वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अब लूजिंग ग्राउंड। द डेमोक्रेट्स वर लूजिंग ग्राउंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, जैसे वो जो कोई एमएलए है या वो जो बंदा है, अब वो उसकी उतनी नहीं रही। द डेमोक्रेट्स वर लूजिंग ग्राउंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट और वी थॉट ग्रैंड मा वॉज गेटिंग बेटर बट नाउ शी इज क्विकली लूजिंग ग्राउंड, यानी कोई ग्रैंड मा है, अब वो भी क्या कर रही है, धीरे धीरे उसका भी हालत खराब हो रहा है। तो इसकी स्टोरी ये थी कि आपको अब एक दिन के अंदर लूज करना है वेट, तो दोपहर तक कितना वेट करना जरूरी था, मतलब कितना वेट घटाना जरूरी था, मान लो 2 किलो, तो आपने बहुत घटाया, मान लो आपने 4 किलो वजन घटा दिया, और आप पहले से ही ये प्रो कंपटीशन जीत चुके, यानी आपकी इज्जत पहले ही बहुत है, लेकिन शाम तक आते आते आप सबसे पीछे रह गए, यानी आपकी तरक्की, आपकी पकड़, आपकी पॉपुलैरिटी सब क्या हो गई, घट गई, सबसे पीछे रह गई। डेड लेटर एक ऐसा रूल या बात या कानून या रिवाज, पहले चलता था अब लोग नहीं मानते। तो रूल था पहले कि जो मर गया है उसको उसकी बरसी वाले दिन क्या क्या भेजने हैं, जो डेड लोग हैं उनको क्या भेजना है, लेटर भेजने हैं। लेकिन अब ये रूल क्या हो गया, कोई लोग नहीं मानते, अब लोग लेटर लुटर नहीं लिखते। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है, ये रहा द स्टेट्स संडे लॉ, यानी कोई राज्य है उसके अंदर एक संडे वाला लॉ, अभी संडे को दुकान नहीं खोल ली, द स्टेट्स संडे लॉ इज अ डेड लेटर, यानी अब उस कानून तो है पर उसको कोई मानता नहीं है, एज मैनी स्टोर्स ओपन एंड कंडक्ट बिजनेस ऑन दैट डे, क्योंकि बहुत लोग जो है वो उस दिन दुकान खोलते हैं करते हैं। हेलमेट पहनना हमारे यहाँ क्या है, डेड लेटर, अपने यहाँ पे गंगानगर में हेलमेट पहनना क्या है, डेड लेटर वाला हिसाब किताब है, क्योंकि मानते तो है नहीं लोग, जैसे मानते ही नहीं है तो क्या हो गया, वो डेड लेटर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी वो इंसान जिसको हर फील्ड की क्या हो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो पर ढंग की जानकारी किसी की ना हो। एक ये पूरी कहावत भी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, थोड़ा थोड़ा सबका पता है लेकिन मास्टर का मतलब होता है गुरु, गुरु में किसी में महारत, उसको किसी में ही नहीं हासिल। तो मान लो आपने इसको, हमने जैक बना दिया, गाड़ी को उठाने वाला जैक होता है, ट्रेड का मतलब बिजनेस होता है, तो आपने जैक ठीक करने का काम किया, जैक खराब हो जाते हैं लोगों के, मान लो पहले आपने मोटरसाइकिल का काम किया, किसी ने कहा ले तू गाड़ियों वाला कर, 4 व्हीलर वालों से ज्यादा पैसे हैं, तो ठीक है फिर आप 4 व्हीलर पे आके, कहा नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी आ गए, फिर नहीं नहीं उसको बोला
तो अब आता काम तो सारा ही आता, थोड़ा 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 थोड़ा, पर बार बार बदलते रहते हैं। तो क्या हो गया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही हैज ट्राइड हिज हैंड इन सो मैनी प्रोफेशंस, उसने अपने हाथ आजमाए हैं। देखो यहां पे एक और इडियम आ गई, ट्राइड हिज हैंड, उसने अपने हाथ आजमाए हैं बहुत सारे प्रोफेशंस में। ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एन आयरन विल, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति। सो मान लो विल का एक मतलब वसीयत होता है, विल का एक मतलब इच्छा शक्ति भी होता है, दो चीजें हैं। सो मान लो एक वसीयत है जो किसमें बंद है, लोहे के बॉक्स में, कोई चाबी तक नहीं है उसकी तो, पर वो बंद है, और उस बॉक्स में से वसीयत वही बेटा निकाल सकता है जो अपनी इच्छा से, अपनी दृढ़ शक्ति से, मान लो वो खोल दे, वो हाथ नहीं लगाना, बस अपनी इच्छा। पुराने टाइम में क्या होता था, ऋषि मुनि अपनी दृढ़ शक्ति से ही सारा काम करते थे, संकल्प शक्ति से ही, उसको संकल्प शक्ति कहते थे। उनको लग रहा ना अभी बारिश हो जाए, तो 2 मिनट सोचा बारिश होगी, वो होता था। तो आपने देखा है पहले पुराने टाइम में वो ऐसे करते थे, वो कुछ चीज आई थी हाथ में एकदम से, भाला आ गया कुछ चीज आ गई, तो मैंने छोटे से बड़ा ट्राई किया आ जाए कुछ, मार तो कुछ नहीं आया। दृढ़ शक्ति में क्या थी, कमी थी। इफ ही हैज डिक्लेयर दैट ही विल अचीव हिज टारगेट, अगर उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो क्या अचीव करेगा, देन ही विल डेफिनेटली डू दैट एज ही इज अ मैन ऑफ। तो आपकी भी जो बात होनी चाहिए ना, वो आयरन विल होनी चाहिए। अगर आपने कह दिया है कि मैं कामयाब होऊंगा तो होना है, पर इंसान जो चल देख लेंगे। अपने भी हमारा प्रोग्राम पक्का नहीं है। टू होल्ड वंस टंग, ये वही वाली बात आ गई जो हमने पहले भी करी है, यानी जबान पे काबू रखना। तो आपने बड़ा, आपके पापा ने बड़ा कहा भी, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, जब आप नहीं माने तो पापा ने होल्ड ही कर ली टंग, भी नहीं मानता तू तो जबान पे क्या रखना, काबू रखना। लास्ट आज का, टू फेदर वंस ऑन नेस्ट, यानी खुद का ही घोंसला सजाना, यानी आप अपनी, आप जिस पोस्ट पे हो आप उसका मिसयूज करके बस खुद के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो। तो मान लो एक आदमी है, उसका नाम क्या है, सुरेश भोंसला, और उसने सजा लिया अपना ही घोंसला। तो सुरेश भोंसला एक ऐसे पद पे है वन विभाग में, जहां उसका काम है कि मोर के पंखों की तस्करी को रोकना, लेकिन जब उसके घर पे तलाशी हुई तो उसका घर पूरा किससे भरा मिला। तो सब लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि भोंसला जी ने अपना घोंसला ही भर लिया। द सीईओ वॉज फायर्ड फॉलोइंग एलिगेशन, सीईओ को निकाल दिया गया नौकरी से। एलिगेशंस का मतलब क्या होते हैं, इल्जाम। इल्जाम के बाद दैट ही वॉज फेदरिंग हिज ऑन नेस्ट, फेदर यहां पे वर्ब की तरह आ रहा है तो आईएनजी लग गया। ही वॉज फेदरिंग हिज ऑन नेस्ट विद डोनेशंस टू द कंपनीज चैरिटेबल फंड,